आज हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं तो एक बार पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे। जयकारा में कोई कंजूसी नहीं चाहिए और सब लोग, कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोग खुले दिल से जयकारा लगाएंगे। कितने लोग हैं? भारत माता की, बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं एक्सिस बैंक के अध्यक्ष माननीय समर बहादुर यादव जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। समर बहादुर जी हमारे सामने हैं, एक बार आप लोगों के सामने आएंगे और सब लोग इनको आशीर्वाद देंगे, प्यार भरा आशीर्वाद। हमारे बहुत जुझारू व्यक्ति माननीय राजू गुप्ता जी, जो हमारे बाएं साइड खड़े हैं, इनका भी बहुत प्रयास रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, असलम भाई, विष्णु तिवारी जी, जयशंकर मिश्रा जी, अखिलेश तिवारी जी और टैक्सी स्टैंड के सारे पदाधिकारी, सारे मेंबर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। ताला सभाजीत यादव का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो लोग बाकी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले यहां पे जो बच्चे, युवा और भूतपूर्व युवा उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साजगाज वाले का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिवाकर शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक महान व्यक्ति हम लोग के बीच उपस्थित है, जो हम लोग के पीने के लिए जल का व्यवस्था किए हैं, घनश्याम पांडे जी। घनश्याम पांडे जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके बीच खड़े हैं वो, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आप लोग का अपने जो हमको जानकारी है उस आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त मनाने के लिए उपस्थित हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। हम लोग के बीच शायद यहाँ पे आयोजन हो या नहीं होएंगे, जिन्होंने देश की गुलामी देखी होगी, लेकिन कभी आप कल्पना करके देखिए गुलामी क्या होती है, गुलामी क्या होती है, कभी एक बार आप विचार करके देखिए। कभी आप पिक्चर भी देखते होंगे तो आपका रूप आप जाता होगा, गुलामी के नाम सुन करके लोगों का जान आप जाता है। जो उस समय उस परिस्थिति को झेल गए थे उनके मन में क्या हुआ होगा, देश को आजादी तो मिली लेकिन वैचारिक आजादी आज तक भी नहीं मिल पाई है। जब तक हम स्वयं के विचार से आजाद नहीं होंगे तब तक आजादी नहीं मान सकते। देश आजाद हुआ, हम आजाद नहीं हुए। हम आज भी जात पात धर्म के जगह में आज भी लड़ रहे हैं, भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच। जब तक इस कैंसर को नहीं हटाएंगे तब तक देश की आजादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर युवा हैं, मैं उनसे ज्यादातर बच्चे हैं, उनको सब बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। मैं बच्चे को ये अनुग्रह करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे चल करके इस कैंसर से दूर रहने का कोशिश करेंगे। हमारे बीच हरकेश तिवारी जी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। देश ये 15वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 जब देश आजाद हुआ, देश को आजादी मिल गई, उस टाइम पे देश की बहुत विषम परिस्थिति थी। हमारे जो नेता लोग थे उन्हें देश को मार्ग पर प्रतिष्ठित किए,
उनके प्रयासों से देश अग्रसर हो रहा है, लेकिन केवल नेता के प्रयासों से देश अग्रसर नहीं होता है। देश अग्रसर होता है तो हमारे प्रयासों से, हम पब्लिक के प्रयासों से। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होएगा। हमारे मन में एक ही विचार रहता है, हमारा एक नेता ये कर दो, लोग कर दे। अरे भैया नेता कहाँ से कर देगा, करते तो हम है, टैक्स हम भरते हैं। गाड़ी वाले हैं रोड टैक्स, गाड़ी टैक्स, दुनिया भर का टैक्स, दुकान वाले हैं वो टैक्स भरते हैं, तो हम नेता से क्यों उम्मीद करते हैं। हम ऐसे नेता को बैठाएं जो जो हमारे मर्जी के काम करें। हम उनसे उनसे प्रार्थना नहीं करें, उन्हें आदेश दें। वो हमारा कार्य है, हम अपने कार्य को भूल चुके हैं। हमें अपने कार्य को याद करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी जवाबदारी छोड़ेंगे तब तक कोई भी हमारे ऊपर शासन करता रहेगा। कभी जात पे, कभी पात पे, कभी धर्म पे, अनेक तरह से हमें प्रताड़ित करता रहेगा। इसलिए स्वतंत्रता दिवस ठीक है, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पुरखों लोग हमें स्वतंत्रता तो दिला दिए, अपने जान का जान निछावर कर दिए, जान की बाजी लगा दिए। तब सर्वप्रथम मंगल पांडे जी, इन्होंने क्रांतिकारी का आंदोलन छेड़ा। मंगल पांडे जी ने क्रांतिकारी का बिगुल बजाया। उनके बाद अनेक क्रांतिकारी देश में पैदा हुए और ब्रिटिश शासन का ईंट से ईंट बजा दिए। तो इसलिए आज भी क्रांतिकारी का जरूरत है। वो वैचारिक क्रांतिकारी चाहिए, सामाजिक क्रांतिकारी चाहिए। हम लोगों को जब तक एक हम लोग भारत एक ऐसा देश है जिसे अनेकता में एकता माना जाता है, उस अनेकता में एकता को हम समाज में लाएंगे। हमारे देश में अनेक भाषा बोली जाती है, अनेक भाषा बोली जाती है, फिर भी हमारे राष्ट्र में एकता प्रबल है। और हम चाहते हैं कि इसी एकता को आगे बढ़ाते रहें, हम अपने विचार को आगे बढ़ाते रहें, अपनी मतभेद को मिटाएं और समाज को आगे बढ़ाएं, इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करें, जात पात को खत्म करें, जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सारे चल रहे हैं उनको सबको खत्म करें। केवल ये स्वतंत्रता दिवस मनाने से नहीं कार्य होता है। जब तक हम नहीं एक्टिव होएंगे, हम नहीं समाज में आएंगे, हम नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि आज भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सबकी जरूरत है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हमारे घर में न पैदा होए, पड़ोसी के घर में पैदा होए। क्योंकि हमारे बच्चे को मरना नहीं है, हमारे बच्चे को तो अमर रहना है, वो हजारों साल रहेगा। अरे भैया जब राष्ट्र रहेगा तब तो हम रहेंगे, हमारा संपत्ति रहेगी, हमारी दौलत रहेगी, जो हम कमाए हैं वो रहेगा। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। हम आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारे बीच माननीय हरकेश तिवारी जी है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा आकर के कुछ आप लोग का मार्ग प्रशस्त करें। हरकेश जी